तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ और आज मैं बनाऊंगी मैगी। देखिए, मैगी तो आप लोगों ने बहुत ही खाई होगी, लेकिन मैं सिंपल मैगी नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हम सब्जी मसाले हम यूज़ करेंगे, जिससे थोड़ी और टेस्टी मैगी बनेगी। तो चलिए देरी नहीं करते, बनाते हैं। देखिए, मैंने इसमें जो थोड़े से मैंने लिए हैं धनिया, वो मैंने थोड़े से तोड़ के रख लिए हैं काट के, और मैंने थोड़े से एक प्याज काट के रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में। थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च काट के रख लिया है, थोड़ा सा मैंने टमाटर लिया है, और एक दो मैंने मिर्ची ले ली है हरी, उनको भी मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस में ले लिए। दो तीन से ज़्यादा ही ले लीजिए। चार पाँच मैंने गाजर लिए हैं, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिए, और दो मैंने मैगी नूडल्स लिए, और मैंने थोड़े से मटर ले लिए। तो चलिए, मैं आगे काम कर दिया और मैंने पैन भी रख दिया है। मैं फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल डाल दिया। देखिए, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने प्याज काटे थे वो प्याज मैंने डाल दिया है पैन में, और हम इसको थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। मैंने हरी मिर्च भी साथ में, जो हमने काटी थी हरी मिर्च भी डाल दिया है। इस तरीके से हमने जो भी शिमला मिर्च काटा है, गाजर काटा है, हमने टमाटर काटा है फ्रेंड्स, मैं सबको धीरे धीरे करके डाल दूंगी। और इसको हमें भूनना है, जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसको भून लेना है। अच्छे से भून रहे हैं, और जो हमने थोड़ा सा मटर छील के रखा था, मैंने मटर भी डाल दिए हैं, मैंने हरे मटर। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। ये कितना बढ़िया लग रहा है और कितना बढ़िया कलर है, ज़्यादा डालने से तो कम सॉस फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये थोड़ी सब्जी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो मैगी का स्वाद ही बढ़ जाएगा, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा जो हमें वेजिटेबल्स डाले थे, गाजर, हमारा शिमला मिर्च, मटर, प्याज, फ्रेंड्स देखिए हमारे अच्छे से थोड़े से भुन चुके हैं और कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए, अब हम इसमें थोड़ा मसाला हम डाल देते हैं। जैसे मैंने जो थोड़ा सा हल्दी लिया है, गरम मसाला है, थोड़ा सा नमक है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, तो मैं इस तरीके से डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं मैगी हम बना रहे हैं, तो मैगी में ऑलरेडी हमें मसाला हम जो है हम यूज़ करेंगे उसको, लेकिन मैंने उसके अलावा भी मसाला इसलिए डाला है, नमक या हल्दी या मैंने लाल मिर्च, गरम मसाला, क्योंकि हम हरी सब्जियां हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने शिमला मिर्च बताया आपको, और हमारा इसमें टमाटर भी है, मटर भी है, प्याज भी है, तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे, तो उससे थोड़ा सा सब्जी में टेस्ट आ जाएगा। और फिर जब हम मैगी ऐड करेंगे तो मैगी मसाले के साथ और भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया फ्लेवर हो जाता है, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मसाला ऐड किया। तो चलिए, अब देखिए मैंने इस तरीके से सारे मैंने वेजिटेबल्स जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए मसाले के साथ, और देखिए कितना बढ़िया कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर देखने में। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आपको मैंने एक गिलास के लगभग मैंने पानी लिया है, और एक गिलास और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी, क्योंकि देखिए अभी हम थोड़ा सा इसको कवर करके रख देंगे, जिससे थोड़ा सा पानी जो है वो हमारा कम हो जाए, जल जाएगा, जिससे हमारा जो सब्जी है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। तो चलिए, मैं इसे 10 से 15 मिनट कवर करके रख दे रही हूँ, और अब मैं कवर हटा दे रही हूँ, और आप देख सकते हैं पानी में जो है थोड़ा अच्छे हमने जो डाला था उबाल आ गया है, और हमारी जो सब्जी है वो भी हमारी पक चुकी है। और जितना थोड़ा सा पानी की जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, जल के थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कवर करके रख दिया था फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें मैगी जो है, हमने दो नूडल्स लिए हैं, और इसको मैंने फाड़ के हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसे तोड़ के डालेंगे। इस तरीके से मैं दूसरी मैगी भी डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने देखिए दोनों मैंने मैगी तोड़ के मैंने इस तरीके से हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उसमें हमने डाल दिया है। और अब मैं इसमें मैगी मसाला जो दो पाउच हैं वो हम इसमें फाड़ के डाल दूंगी मैं इसमें। और देखिए पाउच में ऑलरेडी हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स होते हैं, और फिर उससे क्या होता है थोड़ा सा और बढ़िया टेस्ट आ जाता है मैगी मसाले से। तो इस तरीके से मैंने देखिए दूसरा जो पाउच है वो भी मैं फाड़ रही हूँ, और उसको मैं इस तरीके से डाल दूंगी। अब हम दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने जो भी डाला है।
और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, कितना टेस्टी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा मैं अभी इसको और थोड़ा सा पकने के लिए अभी लगातार मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए फाइनली हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही बढ़िया बना है। और अब मैं इसको गैस ऑफ कर दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, थोड़ा गार्निशिंग के लिए हमने जो हरी धनिया काट के रखा था फ्रेंड्स उसको हम डाल देंगे जिससे बढ़िया से गार्निशिंग हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको इसको फाइनली बाउल में भी आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारी जो मैगी है वो फाइनली कैसी लग रही है, हमारी वेजिटेबल मैगी जो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं आपको बाउल में भी आपको फाइनली हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से वेजिटेबल मैगी बनाइए घर पे और कैसी बनी है आपकी, खाने में कैसा टेस्ट आया ज़रूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। चैनल भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।